हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो ग्वालियर डीवी भास्कर में न्यूज आई है कि 41,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो सकती है निरस्त, ये हेडलाइन बनी थी और जिसमें ये बताया गया था कि शिक्षकों की भर्ती निरस्त हो सकती है। आपको मालूम है कि इस परीक्षा के पहले दो चरण में 30,800 पदों के लिए करीब 7,20,000 आवेदक परीक्षा दे चुके हैं, है ना। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कैंडिडेट हैं एमपी के, उनकी आयु सीमा भी कम कर दी है, जिसमें सामान्य वालों को भी 40 वर्ष थी, उसे घटाकर अब 35 कर दी गई। ओबीसी की 43 साल थी लेकिन उसे 40 साल कर दिया गया। एससी एसटी की 45 थी और उसे कम करके 40 कर दिया गया है। और अभी पूर्व में ही कुछ 4 महीने पहले अपनी परीक्षाएँ हो चुकी हैं, 5 महीने पहले, और वो कौन सी, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाली परीक्षाएँ थी, जिनमें 40 ए उम्र थी, उनकी उम्र 40 या 45 उसमें अभी तक लिए गए थे। यदि उम्र कम होती है तो इसका मतलब कि इस भर्ती जो अपनी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की है, ये भी विवादों में आ सकती है यदि वो रूल उस पर लागू कर दिया तो। हालांकि जो भर्ती पहले हो चुकी है उस पर नए जो रूल्स हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट क्या निर्णय ले ले। और यहाँ पर जो आपको बात बता दें कि ये कह रहे हैं कि अब सरकार के नए निर्णय से एमपीपीएससी को छोड़कर सभी विभागों के आवेदकों की अधिकतम आयु 32 साल कर दी है, यानी पहले 40 साल तक थी और अब वो केवल 32 साल कर दी। और इसमें आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट रखी गई है। ऐसे में जो भी उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा में उम्मीदवार शामिल हुए थे उन्हें काफ़ी परेशानी आ सकती है। परीक्षा में शामिल 60% ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी उम्र 32 साल से ज़्यादा थी, है ना, जिनकी उम्र 32 साल से ज़्यादा थी। और इसी परीक्षा में सामान्य के अलावा और भी आरक्षित वर्ग के 40 से 45 साल तक के उम्मीदवारों ने भी परीक्षा दी थी। और वहीं पर अभी वर्ग 3 की यानी कि प्राथमिक परीक्षा की भी कई लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये आयु सीमा यदि प्राथमिक परीक्षा में लागू कर दी गई तो काफ़ी नुकसान उन कैंडिडेट्स को हो सकता है जो ओवरेज होने वाले हैं या फिर जिनकी उम्र इस जो क्राइटेरिया है इसका उससे ज़्यादा हो रही है। नियमों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेंगे, ये भी बोला है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी जी ने। वो कहते हैं कि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अफसरों को जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले कराई जा चुकी है तो उस पर नए नियम लागू नहीं होंगे, यह निर्णय होंगे या नहीं यह निर्णय जल्द ही किया जाएगा। यानी कि जो पहले परीक्षा हो चुकी है उस पर भी निर्णय लेने के लिए बोला जा रहा है कि हालांकि ऐसा होता नहीं है कि जो पहले परीक्षा हुई उस पर नए रूल्स लागू कर दिए जाएं, क्योंकि जब जो लागू होता है उसके बाद जो परीक्षाएं होती हैं उन पर ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। और 7 साल बाद आपको लोगों को मालूम है कि ये परीक्षा हुई थी संविदा वर्ग 1 और 2 वाली, इस समय तो वर्ष 2011 में संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षा जो की गई थी जिस, और उसके बाद जब हुई है ये अपनी 2018 में, उसमें नाम बदल दिया गया था जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के नाम से अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा हुई है। 7 साल के इंतजार के बाद भी ऐसे कई आवेदक शामिल हैं हुए थे जिनकी उम्र 40 हो चुकी थी, है ना, और स्थायी पद होने के कारण इसमें काफ़ी कई लाखों लोगों ने आवेदन भी किया हुआ था। और यदि ये रूल फॉलो हो जाता है तो एमपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ये शिकायतकर्ता कह रहे हैं। और 19,800 पदों के लिए भर्ती हो चुकी है, वर्ग 1 की अभी रिजल्ट नहीं आया है। माध्यमिक शिक्षक की भी भर्ती हो चुकी है 11,000 पदों के लिए, इसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। और दोनों परीक्षाओं की आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए अभी क्या थी, 21 से लेकर 40 वर्ष थी निर्धारित की गई थी। और इसके अलावा आरक्षित जो वर्ग था उसमें 3 साल, 5 साल और 10 साल की छूट भी दी गई थी। तो यदि इस हिसाब से भर्ती नियम के हिसाब से परीक्षा होगी, ये बोला जा रहा है परीक्षा नियंत्रक पीबी ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी होना है, हमारे पास स्कूल शिक्षा विभाग से इस संबंध में नियम नहीं आए हैं, भर्ती नियमों में जो भी आयु तय की जाएगी उसी आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। तो यानी कि यदि फॉलो कर दिया जाता है रूल तो प्राथमिक शिक्षक में जो भी क्राइटेरिया होगा उसमें यही रूल फॉलो किया जाएगा, जिससे हजारों आवेदक या लाखों आवेदक जो प्राइमरी शिक्षक में देने वाले हैं प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा,
उसमें कई लोग इससे परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इसके रिगार्डिंग हम सब लोग मिलकर के और भी कार्रवाई जो हो सकती है कोर्ट में या आंदोलन की वो भी जरूर करेंगे। तो टच में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि पहली बार आए हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।